अब मैं प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए आवाज दूंगा वसीम भाई जिला महासचिव को। इस शेर के साथ आज कुछ मियां झुम्मन लोग हैं जो हर पार्टी की चाटुकारिता में लगे हुए हैं, दरी बिछाने का काम कर रहे हैं, तो मैं उनको इस शेर के साथ संदेश दूंगा कि झुककर सलाम करने में क्या हर्ज है, झुककर सलाम करने में क्या हर्ज है, मगर सर इतना मत झुकाना कि दस्तार गिर पड़े, मगर सर इतना मत झुकाना कि दस्तार गिर पड़े। वसीम भाई जिला महासचिव माइक पर। सुकून दिल के लिए कुछ तो एहतमाम करूं, सुकून दिल के लिए कुछ तो एहतमाम करूं, जरा नजर जो मिले फिर उन्हें सलाम करूं, और मुझे तो होश नहीं आप मशवरा दीजिए, मुझे तो होश नहीं आप मशवरा दीजिए। शेरी बोली, मुझे तो होश नहीं आप मशवरा दीजिए, कहां से फसाना शुरू करूं, कहां काम करूं। मंच पे मौजूद ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तमाम सिपाही, विधानसभा के अध्यक्ष अब्दुल हफीज साहब, जिले की सदारत फरमा रहे डॉक्टर मोहम्मद शफीक साहब और दीगर तमाम ब्लॉक कमेटी के मेम्बरान और अरकान हजरात, दूर दराज से आए हुए बच्चों बुजुर्गों नौजवान साथियों, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हाजरीन गिरामी, बेहद खुशी की बात है कि आज की तारीख में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का एक कारवां अपनी मंजिल की तरफ बड़ी ही मोतदी चाल में रवा और दवा है। आज के पांच साल के पहले, छह साल के पहले जब ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आपके दयार में आई थी तो आज के जैसे हालात यहाँ नहीं थे। आज के पांच सालों के पहले जब ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लिए हम काम कर रहे थे तो पूरे जिले का यह हाल था कि किसी जिले के किसी कोने में जब हमको कोई मीटिंग करनी होती थी तो हमको लोगों को तलाश करना पड़ता, अगर मिल भी जाते थे तो किसी तरह से चार छह लोगों को वो शर्मी शर्मा इकट्ठा करता था, फिर हम लोग जाते थे और मीटिंग करते थे। लेकिन हम लोग नाउम्मीद नहीं हुए। अल्लामा इकबाल का एक शेर है कि नहीं है नाउम्मीद इकबाल अपनी किश्ते वीरा से, और जरा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी जरफेज है साथी। हमने इस शेर पर अमल करते हुए मुकम्मल पांच छह सालों तक पार्टी के लिए काम किया, काम करते रहे और आज की तारीख में नतीजा ये है, आज की तारीख में नतीजा ये है कि खलीज बंगाल के मानसून की तरह ऑल इंडिया इत्तेहादुल मुस्लिमीन हैदराबाद की सरजमीन से उठी और बिजली बनकर महाराष्ट्र में चमकी, बिहार में चमकी और उत्तर प्रदेश में बिल्कुल बरसना ही चाह रही है। और इंशाल्लाह सन 2022 में हैदराबाद से जो बिजली बनकर चमकी है उत्तर प्रदेश में बरसेगी और यहाँ की बंजर जमीनों को सैराब करेगी। पहली बात, हमारे गुलाम नबी इदरीसी साहब ने कहा है कि वसीम भाई 15 मिनट से ज्यादा न बोलिएगा। मैं इसलिए उनके हुक्म पे अमल करते हुए अपनी बातों को समेटूंगा। ये रही पहली बात। दूसरी बात, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन भारतीय जनता पार्टी की एजेंट है, भारतीय जनता पार्टी की पी टीम, समाजवादी पार्टी बौखलाई हुई। मैं बहुत दूर नहीं जाना चाहता, आप इसी जिले में संत कबीर नगर में देख लीजिए, दूध और पानी की दूध का दूध और पानी का पानी अलग हो जाएगा। अभी मैं बताऊंगा कि हकीकत में भारतीय जनता पार्टी का एजेंट कौन है। मैं बाहर नहीं जाना चाहता। जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव हुए, आप लोगों ने देखा मिस्टर बलराम यादव यहाँ के जिला पंचायत अध्यक्ष हुए, पता है ना?
इलेक्शन के चंद दिनों पहले तक मिस्टर बलराम यादव भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के निष्ठावान कार्यकर्ता हुआ करते थे। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी से टिकट मांगा था, हमने उनका लेटर पैड देखा था, उस पे लिखा था, अपनी कारगुजारियां गिनाई थी कि हम आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी के लिए 12 साल से हम काम कर रहे हैं, हम एक निष्ठावान कार्यकर्ता हैं, इसलिए भारतीय जनता पार्टी से हमको टिकट दिया जाए। लेकिन टिकट नहीं मिला। रातों रात संतकबीर नगर की सियासत में पता नहीं कौन सी खिचड़ी पकी कि आप लोगों ने देखा कि वही बलराम यादव अगले दिन समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार बनकर मैदान में आ गए। मैं पूछना चाहता हूं कि जो 10-12 सालों से पिछले 10-12 सालों से आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी का एक निष्ठावान कार्यकर्ता था, समाजवादी पार्टी ने ऐसा कौन सा साबुन लगा दिया, ऐसे कौन से साबुन से धो दिया कि रातों रात वो लोकतांत्रिक जहन का हो गया। आप बताइए भारतीय जनता पार्टी का एजेंट कौन था। इसके अलावा आपने देखा कि पूरे उत्तर प्रदेश में जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव होने थे। चुनाव के आइन पहले पूरे उत्तर प्रदेश में 21 ऐसी सीटें हैं जहां पर समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट बैठ गए और भारतीय जनता पार्टी के लिए रास्ता साफ कर दिया। आप चूंकि मुसलमान हो, आपको भूल जाने की आदत है, इसलिए मैं याद दिला रहा हूँ। हमारी कौम बहुत जल्दी भूल जाती है। अभी 1.5 महीने पहले की बात है, पूरे उत्तर प्रदेश में 21 ऐसी जिला पंचायत अध्यक्ष की सीटें थी जो समाजवादी पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी के लिए खाली कर दिया। मैं पूछना चाहता हूँ, अखिलेश यादव की ऐसी कौन सी मजबूरी थी कि 21 सीटें खाली कर दिया भारतीय जनता पार्टी के लिए? ये अखिलेश यादव से सवाल है। तीन बातें हो सकती हैं, या तो नंबर एक, या तो अखिलेश यादव का समाजवादी पार्टी पर कोई नियंत्रण नहीं रहा, या तो अखिलेश यादव भारतीय जनता पार्टी से मिले हुए हैं, और या तो अखिलेश यादव के जो उम्मीदवार हैं उसमें जितने कैंडिडेट हैं और अखिलेश यादव की जो पार्टी है पूरे उत्तर प्रदेश में उसमें बगावत हो चुकी है। इन तीन बातों के अलावा कोई बात नहीं है। और कसम खुदा की अगर ये तीन बातें हैं, तीन बातों में से कोई एक बात है, तो समाजवादी पार्टी को उत्तर प्रदेश में मुसलमानों से कम वोट मांगने का अधिकार नहीं है। जिस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष का अपने अपने कार्यकर्ताओं पे नियंत्रण ना हो, अपने लोगों पे नियंत्रण ना हो, कैंडिडेटों पे नियंत्रण ना हो, उस पार्टी को पार्टी चलाने का कोई अधिकार नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का एजेंट कौन है? 5 मिनट और बोलूंगा। साक्षी महाराज का नाम आप लोग जानते हो? साक्षी महाराज उत्तर प्रदेश की सियासत में साक्षी महाराज एक ऐसा आदमी है कि जिसने 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद की ईंट तोड़कर अपने घर पे लाया था और अपने बैतुल खला संडास में चुनवा दिया था। जानकारी के लिए आप ये बता दूं, बात पुरानी हो जाती है तो हमारे लोग भूल जाते हैं, चुनवा दिया था। अब अफवाह है या सही है, एक बात ये भी है कि इसने पेशाब भी किया था, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं। उसकी ज़हनियत आप लोगों के सामने उजागर कर देना चाहता हूँ कि साक्षी महाराज कैसा आदमी था। साक्षी महाराज को मुलायम सिंह यादव ने अपनी पार्टी में शामिल किया और साक्षी महाराज जैसे गंदे आदमी को मुलायम सिंह यादव ने राज्यसभा का मेंबर बनाया। आप समाजवादी पार्टी को वोट क्यों देते हो? आप समाजवादी पार्टी को वोट इसलिए देते हो, हमारी सड़क बने ना बने, सोलर लाइट लगे ना लगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी हार जाए। कसम खुदा की इसीलिए मुसलमान वोट देता है कि भारतीय जनता पार्टी हार जाए। लेकिन मुलायम सिंह यादव ने क्या किया? मुसलमानों के जाने दुश्मन साक्षी महाराज को अपनी पार्टी में शामिल करके और राज्यसभा का मेंबर बना दिया। कल्याण सिंह को आपको जानते होंगे, जिसने बाबरी मस्जिद को शहीद किया, कल्याण सिंह को अपनी पार्टी में शामिल किया, उसके बेटे राजवीर सिंह को राज्यसभा में मेंबर बनाया अपनी पार्टी से। मैं पूछना चाहता हूँ, भाजपा को हराना चाहते हो?
आप जिसको जिता के भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जिसको जिताते हो चश्मा का नंबर बढ़वा लीजिए, दरअसल वही भाजपा। भाजपा तो भाजपा है, भाजपा से बड़ी भाजपा समाजवादी पार्टी। अभी एक साल का अरसा नहीं गुजरा, किसी गली किसी नुक्कड़ किसी चौराहे पर नहीं, बल्कि इस मुल्क की पार्लियामेंट में मुलायम सिंह यादव ने खुल्ला खुल्ला कहा था। क्या कहा था? कि मेरी दुआ है, मेरी प्रार्थना है, मैं चाहता हूं कि हे नरेंद्र मोदी जी, आप एक बार प्रधानमंत्री जरूर बनो। ये संसद में कहा गया। और जो रोड पे आते हैं तो रोड पे कहते हैं कि मुसलमानों हमको वोट दो, भारतीय जनता पार्टी को हराना है और मुसलमान जिंदाबाद जिंदाबाद। अपनी अपने वोट की कीमत को पहचानिए। वोट क्या है? वोट एक गवाही है। यहाँ पर उलमा कराम बैठे हुए हैं, मुझसे ज्यादा जानते हैं। वोट एक गवाही है और कसम खुदा की जो गवाही आप दोगे उसका हिसाब आपको देना पड़ेगा। आप हराने और जिताने के ठेकेदार नहीं हो, आपको सही गवाही देनी है। फैसला जो होगा वो खुदा के हाथ में है, हार और जीत का फैसला अल्लाह करता है, आपके हाथ में नहीं है। आप मेहनत करिए। भाजपा को हराना चाहते हो, कैसे? सपा बसपा का गठजोड़ हो चुका, लड़ चुके, लोकसभा में जीत हो गए। कांग्रेस का बसपा का समझौता हुआ, भाजपा के खिलाफ लड़े, जीत हो गए। अब कैसे हराओगे? सपा बसपा कांग्रेस ये भाजपा को हरा नहीं सकते, इनके बस की बात नहीं है। और हकीकत यह है कि ये हराना ही नहीं चाहते, ये खाली हम लोगों को फंसा के रखना चाहते हैं। इसलिए पहले मजबूरी थी, आज की तारीख में बैरिस्टर जुल्दीन अवैसी पूरे मुल्क में एक नंबर का नेता है। हर लिहाज से ठीक है, लंबाई भी बढ़िया है, चौड़ाई भी बढ़िया है, खूबसूरत भी है, ताकतवर भी है। आप लोग दाढ़ी और माथे में निशान ढूंढते हो, वो भी है, सब कुछ कुछ, तो फिर किस बात का इंतजार है? किस बात का इंतजार है? आज इस मजमे में आप लोग ये वादा करो कि यहीं से उठ के जाते हैं, ये वादा करके जाएंगे कि आज के बाद हम अगर वोट देंगे तो बैरिस्टर सुदीन अवैसी की पार्टी को वोट देंगे, चाहे वो हारे चाहे जीते। हारना और जीतना आपके बस की बात नहीं है। एक बात और बता दूं, तारीख किसकी लिखी जाती है? तारीख उन कामों को लिखी जाती है जो तलवार लेके, तलवार से मुराद वोट, आज की तलवार हमारा वोट है, जो तलवार लेके मैदान जंग में सर पकड़ कूद जाया करते हैं, तारीख उनकी लिखी जाती है और माने गनीमत भी उन्हीं को मिलता है। और जो लोग दूर से बैठ के तमाशा देखते हैं उनकी हैसियत तालियां बजाने की तो हो सकती है, लेकिन कसम खुदा की माले गनीमत में हिस्सा नहीं मिलता, नहीं मिलेगा। शिकारी घाट पे मछली को बांट लेते हैं, शिकारी घाट पे मछली को बांट लेते हैं, तमाशबीन को हिस्सा नहीं मिला करता, तो हिस्सा मिलने वाला नहीं है। आपका लड़का है, अगर घर बैठ के खाता है तो आप भगाते हो, नहीं जाओ काम काज करो, दुकान खोलो, और मुल्क की हिस्सेदारी में अगर अपना हक लेना है तो दूसरे के कंधे पे बंदूक रख के काम निकालना चाहते हो। अफसोस है, अफसोस है, अफसोस है, वो काम जिसने इसी मुल्क में 1000 साल तक हुकूमत की है, आज वो दूसरे की मोहताज है। शर्म आनी चाहिए हमको। बहुत कुछ बोला गया, बहुत कुछ किया, बड़ी बड़ी तकरीरें हुई, बड़े बड़े लेख लिखे गए। लेख लिखने से तकरीर करने से कुछ नहीं होता, अमल की जरूरत है, काम करना पड़ेगा। हमें आज की तारीख में क्या नेता कौन है, क्या कहते हैं नेता कौन है? आजम खान बहुत बड़े नेता है, नसीमुद्दीन सिद्दीकी बहुत बड़े नेता है। नेता किसे कहते हैं? नसीमुद्दीन सिद्दीकी, आजम खान वगैरह वगैरह,
ये नेता नहीं है, ये अपनी अपनी सियासी पार्टियों के गुलाम तो हो सकते हैं लेकिन कसम खुदा की नेता नहीं है, ये नेता नहीं हो सकते। नेता कौन? नेता कहते किसको है? नेता कहते किसको है? एक लाइन में बता के अपनी बात खत्म करूंगा। तीन तलाक का मामला आया, नसीमुद्दीन नेता थे, मौलाना बदरुद्दीन अजमल नेता थे। मौलाना बदरुद्दीन अजमल की शान में मैं गुस्ताखी नहीं करना चाहता, वो मौलाना है, कासमी है, हमारे मोहतरम है, लेकिन मैं उनके अधिकार की बात करता हूँ, वो भी नेता थे। लेकिन किसने आवाज उठाई? बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने ही, अवैसी ने ही सिर्फ क्यों आवाज उठाई? इसलिए आवाज उठाई कि इसको कोई रोकने और टोकने वाला नहीं था। नसीमुद्दीन सिद्दीकी अगर नेता होते तो मायावती की औकात नहीं थी कि कान पकड़ के पार्टी से बाहर कर देती। आजम खान अपनी पार्टी के नेता नहीं है, गुलाम तो हो सकते हैं लेकिन नेता नहीं है। आजम खान अगर नेता होते तो जिस तरह से आज पूरे परिवार के साथ 1.5 सालों से बंद हैं, आप बताइए अगर अखिलेश यादव 1.5 साल से बंद होते, मुलायम सिंह यादव 1.5 साल से बंद होते, तो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता आज घरों में बैठे रहते? नहीं बैठे रहते, अब तक तोड़फोड़ शुरू हो जाती। तो इससे पता चलता है कि आजम खान नेता नहीं है। नेता अगर इस मुल्क में कोई है वो बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी है, उसके अलावा कोई नेता नहीं है। इसलिए देखिए एक बात और मैं बता दूं, हजारों साल लड़की सती बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। 75 साल हो गए मुल्क को आजाद हुए, एक आदमी नहीं उठा, अगर 2-3 लोग उठे भी तो किसी न किसी वजह से वो कमजोर पड़ गए, जैसे डॉक्टर फरीदी साहब थे, डॉक्टर मसूद थे, या अभी हाल के डॉक्टर अयूब साहब। ये सब उठे तो मैं इनकी नीयतों पे शक नहीं करता, ये सब उठे लेकिन किसी न किसी वजह से आप लोगों ने इनको नकार दिया, पसंद नहीं किया। सेकुलरिज्म का जनाजा ढोने के लिए आप ही का कांधा है, आप ही ठेकेदार हो। बड़ी मुश्किल से एक दीदावर पैदा हुआ है, इसलिए बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की कयादत को पहचानिए, इनका साथ दीजिए। और ये भी मैं कह के जा रहा हूँ दोबड़ा गांव के लोगों कि अगर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब को आपने नहीं पहचाना तो कुछ नेता जो उठे थे कयादत खड़ी करने के लिए वो तो फेल हो गए। अगर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी जो हर लिहाज से मजबूत है, अगर इसको भी आपने नकार दिया तो कसम खुदा की आने वाले 100 सालों में कोई आपकी कयादत करने के लिए तैयार नहीं होगा, क्योंकि वो अपने नेताओं की का अंजाम देख चुका होगा। आखिर में एक बात कहूंगा, हमारे जिला अध्यक्ष साहब कहानी सुनाया करते हैं, इंशाल्लाह भी सुनाएंगे, तो मैं एक कहानी सुना दूं आपको। किसी जगह एक गाय थी, किसी किसान की एक गाय थी, जंगल में चरने जाती थी। एक मर्तबा दलदल में फंस गई, निकल नहीं पा रही है। एक शेर ने देखा तो वो टूट पड़ा, खाने के लिए टूट पड़ा, वो भी उसी में फंस गया। अब दोनों फंसे हैं उसी में। तो गाय शेर को देख के हंसने लगी, तो शेर ने कहा कि अरे तू भी तो फंसी है, तू हंस क्यों रही है? जैसे मैं फंसा हूं वैसे तू भी फंसी है, लेकिन तू हंस क्यों रही है? तो गाय ने जो जवाब दिया वो काबिले गौर है। गाय का जवाब मैं सुनाना चाहता हूँ। गाय ने कहा कि देखो, मेरा एक मालिक है, अभी शाम को जब मैं घर नहीं जाऊंगी तो कुछ देर इंतजार करेगा, उसके बाद मुझको ढूंढता हुआ आएगा और इस दलदल से निकाल ले जाएगा और अपने खूंटे पर बांध देगा। और तुम शेर हो, बड़ी ताकत है, 30 मार खा हो, तुम इसी दलदल में धंसते 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 मर जाओगे, तुमको कोई ढूंढने वाला नजर नहीं आएगा, कोई नहीं आएगा, इसलिए खूंटा तलाश करिए, किसी खूंटे से बंध जाइए, अभी वक्त है, अभी सवेरा। और बैरिस्टर साहब ने खूंटा तैयार कर दिया। सपा बसपा कांग्रेस ये लोग बेवा औरत की तरह आपको लाइन मारती रहेंगे। आपने देखा जब लड़की की शादी नहीं हो रही थी
तो लोग चक्कर में पड़े रहते हैं ऑनलाइन, और जब शादी हो जाती है तो सब कुछ बंद। इसलिए निकाह करिए, सियासी निकाह करिए की पार्टी से, बैरिस्टर के खूंटे से बच जाइए, इंशाल्लाह इंशाल्लाह आपको अपना हक भी मिलेगा और आपका वकार भी बढ़ेगा। बस मैं इसी के साथ अपनी बात खत्म करूंगा इस शेर के साथ कि जज्बे शौके शहादत को क्या पूछिए, जज्बे शौके शहादत को क्या पूछिए, अब हथेली पे हमने ये सर ले लिया और कत्ल होने से आखिर कहां तक बचे, कत्ल होने से आखिर कहां तक बचे, कातिलों के मोहल्ले में घर ले लिया। बहुत बहुत शुक्रिया।